ईद उल अज़हा के पर्व को लेकर तमाम मंडियों से बाजारों से खरीदारी को लेकर बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसको देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी के तहत ही हम ईद का पर्व मनाएंगे। और मुझे लगता है कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर ईद के पर्व में हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि ईद हमें खास करके ईद उल अज़हा ये सैक्रिफाइस का संदेश देती है, तो एक सैक्रिफाइस हम ईद में ये भी करेंगे कि उन परिवारों को भी समर्पित करेंगे जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपने लोगों को खोया है या जिनकी जीविका पर असर पड़ा है, जो बहुत ही परेशान हुए हैं, उनके साथ हम इस ईद को साझा करेंगे। और साथ ही साथ हम कोरोना के जो प्रोटोकॉल जो सरकार द्वारा दिया गया है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसका पालन करते हुए ही ईद मनाएंगे और उसी के पालन में ही हम नमाज अदा करेंगे। इसलिए आप सबको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मोहसिन रज़ा की तरफ से ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सब दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से बाहर आएगी और हम फिर से हमारे देश में होने वाली ईद और होली, ये गले मिलने वाले त्योहारों को गले मिलकर मनाएंगे। ऐसी हम सब आपस में मिलकर दुआ भी करेंगे और अभी फिलहाल एक दूसरे को संदेश हम मोबाइल के जरिए देंगे, एक दूसरे को संदेश हम SMS के जरिए देंगे और सुरक्षित रहकर ही इस बार की भी ईद हम मनाएंगे।